हेलो स्टूडेंट्स आई एम योर टीचर फॉर दिस लेक्चर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू बेटा सम रिजल्ट्स ऑन डिटर्मिनेंट्स अब देखो डिटर्मिनेंट आपको पता चल चुका है कि क्या होता है इट इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वेर मैट्रिक्स आपको ये भी पता है अब कि हम डिटरमिनेंट अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर वन क्रॉस वन टू क्रॉस टू थ्री क्रॉस थ्री फोर क्रॉस फोर वगैरह तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं और आप ये भी सीख चुके हो कि हम अगर क्वेश्चन आता है कोई डिटरमिनेंट इवेलुएट का तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके उसको कैसे इवेलुएट करते हैं अब देखो आपको याद होगा हमने मैट्रसज में ना डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिसज किए थे जैसे देखो स्केलर मैट्रिक्स डायगनल नील पोर्टेंट इट ऑर्थोगल अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर एंड मैनी अदर टाइप्स तो आज इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि क्या इन मैट्रसेस के डिटर्मिनेंट की कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है क्या कोई इनके बारे में रिजल्ट बोला जा सकता है तो पहली चीज ये हम देखने वाले हैं जिससे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या इवन अगर थ्योरेटिकल भी आए बेटा तो करने में हेल्प मिलेगी फिर हम ये देखेंगे कि कई बार आपको एक डिटर्मनेंट में एक रो या कॉलम वेरी कर रहा होता है बाकी रोज या कॉलम्स कांस्टेंट होते हैं तो उनमें उसको वेरी करने से डिफरेंट जो डिटर्मनेंट्स हैं उनका सम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं एंड टुवर्ड्स दी एंड वी विल सी कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मनेंट में कि अगर आपको एक ट्राइंगल के बेटा वर्टसिस दिए हैं तो हम उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे इज इट ऑल राइट तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर तो देखो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी सम डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑन डिटर्मिनेंट्स इज इट ऑल राइट देखो व्हाट वी आर सेइंग कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगनल मैट्रिक्स तो अगर आपके पास कोई डायग्नल मैट्रिक्स है या फिर कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ डायग्नल एलिमेंट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मान लो अगर पहले हम बात करें बेटा डायग्नल मैट्रिक्स की इज इट ऑल राइट अब आपको डेफिनेशन याद होगी कि एक डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है डायग्नल मैट्रिक्स वो था जिसमें एक स्क्वेयर मैट्रिक्स होता है जिसके ऑफ डायग्नल एलिमेंट्स सारे जीरो होते हैं ऑफ डायगनल मीन्स जो डायग्नल के ऊपर नहीं है और डायगनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं जीरो या नॉन जीरो तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेती हूँ देखो सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ए जिसमें एलिमेंट्स हैं सपोज मेन डायगनल पे टू माइनस थ्री वन और ऑफ डायगनल एलिमेंट्स ऑल आर इक्वल टू ज़ीरो तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनट को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे अगर डिटर्मनेंट ऑफ ए चाहिए बेटा तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट ऑफ डायग्नल एलिमेंट्स होगा इज इट ऑल राइट तो फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा तो इट विल बी टू इन टू माइनस थ्री इन वन दैट इज इक्वल टू माइनस सिक्स अब देखो ऐसा क्यों है रीजन बहुत ही सिंपल है जैसे कि अगर हम इसको रो वन से एक्सपैंड करने की कोशिश करें तो आपको पता है ये प्लस के साथ आएगा ये माइनस और ये प्लस तो अगर आप टू को देखो ये फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में है तो टू टू प्लस के साथ आएगा इसको डिलीट करो ये वाला आपके पास डिटर्मनेंट बचता है जिसकी वैल्यू कैसे निकालते हो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस सो यू विल हैव टू टाइम्स कितना हो जाएगा देखो माइनस थ्री इंटू वन और माइनस कितना जीरो तो वही आ गया ना टू इंटू माइनस थ्री इंटू वन डैट इज प्रोडक्ट ऑफ डायग्नल एलिमेंट्स इज इट ऑल राइट सो ये रीजन है कि अगर हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है या डायग्नल मैट्रिक्स होता है बेटा तो हम उसके डिटर्मनेंट की वैल्यू डायरेक्टली ले सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायग्नल एलिमेंट्स जैसे एक स्केलर का भी एग्जाम्पल लेते हैं बेटा लेट मी टेक अ स्केलर मैट्रिक्स इज इट ऑल राइट अब स्केलर मैट्रिक्स में आप ऑब्जर्व करो क्या डेफिनेशन थी इट वॉज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायग्नल मैट्रिक्स इज इट क्या खास बात होती है जो डायग्नल मैट्रिक्स में नहीं होती वो ये कि उसके एक बात तो सेम है कि ऑफ डायगनल एलिमेंट्स सारे जीरो होते हैं स्केलर मैट्रिक्स में एक खास बात ये होती है कि सारे डायगनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मैट्रिक्स लें मान लो एक मैट्रिक्स बी लेते हैं ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री का बेटा सपोज मेन डायग्नल पे है टू टू और टू एंड रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो तो ये हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया ये डायग्नल भी है एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायग्नल मैट्रिक्स तो अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी चाहिए तो आप डायरेक्टली डायग्नल एलिमेंट्स जो है इसके उनका क्या ले लो प्रोडक्ट सो वी विल से हेयर बेटा कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू डेट इज इक्वल टू एट इज इट ऑल राइट तो ये है हमारा पहला डायरेक्ट रिजल्ट अगले रिजल्ट पे मूव करते हैं देखो अब देखो ये सेकेंड रिजल्ट इसमें किन मैट्रिस की वो बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ किसके डिटर्मिनेंट की अपर ट्राएंगुलर और लोअर ट्राएंगुलर मैट्रिक्स तो इन दो मैट्रसेस की बात हो रही है अपर ट्राएंगुलर एंड लोअर ट्राएंगुलर मैट्रिक्स इनमें भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा होती है प्रोडक्ट ऑफ डायग्नल एलिमेंट्स लेट्स सी एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले बात करते हैं बेटा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की तो अपर ट्राइंगर मैट्रिक्स की आई होप आपको डेफिनेशन याद है इट इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स बेटा जिसमें डायगनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं जीरो होते हैं जैसे यहां पे बनाते हैं एक देखो मान लो एक मैट्रिक्स ए ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री का लेते हैं जो कि है अपर ट्राइंगुलर स्क्वेर मैट्रिक्स होता है मेन डायग्नल पे कुछ भी हो सकता है मान लो टू माइनस थ्री फाइव ऊपर वाले एलिमेंट्स आपके जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन नीचे वाले एलिमेंट्स मेन डायगनल के वो सारे के सारे जीरो होते हैं तो इस मैट्रिक्स के अगर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए बेटा तो हम बोल रहे हैं वो फिर से कितनी होगी प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलिमेंट्स तो ये देखो ये डायग्नल हमारे एलिमेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू टू इंटू माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव दैट इज इक्वल टू माइनस थर्टी बेटा तो रीजन अगेन बिल्कुल सिंपल है जैसे अगर आप इसको कॉलम वन से एक्सपैंड करोगे तो ये आएगा प्लस के साथ ये माइनस और ये प्लस अब बाकी ये दोनों तो जीरो ही हैं सिर्फ टू लेना है प्लस के साथ फर्स्ट रो छोड़ो फर्स्ट कॉलम जिसमें वो लाई करता है ये आपका माइनर है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस सो ऑब्वियसली यू विल गेट टू इंटू माइनस थ्री इंटू फाइव दैट प्रोडक्ट ऑफ़ डायगनल एलिमेंट्स। इसी तरह से देखो अगर हम लोअर ट्राइंगर मैट्रिक्स लेते हैं बेटा लेटेस्ट टेक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इट ऑल राइट? ये देखो। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि मेन डायगनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स बेटा जीरो होते हैं एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आई टेक मैट्रिक्स भी ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री का ले रही हो सपोज मेन डायगनल पे है माइनस वन वन और फाइव अब लोअर ट्राइंगुलर में डायगनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होंगे नीचे बेटा हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जीरो या नॉन जीरो तो इसके डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो अगेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलिमेंट्स तो देखो क्या आएगा हमारे पास इट विल बी माइनस वन इंटू वन इंटू फाइव दैट इज इक्वल टू माइनस फाइव इसे हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट uh, लोअर या अपर ट्रैंगर मैट्रिक्स का तो बिल्कुल डायग्नल और स्केलर की तरह प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलिमेंट्स होता है अगला रिजल्ट देखो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू वन अब देखो यह एक स्पेशल केस है ना स्केलर मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है स्क्वेयर मैट्रिक्स होगा एक तो और ऊपर से बेटा आपके पास नॉन डाइग्नल एंट्रीज सारी की सारी होती हैं जीरो और डायग्नल पे सारी एंट्रीज आर इक्वल टू वन अब जैसे अगर आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर वन क्रॉस वन का लेते हो आई से डिनोट करते हैं तो वो देखो सिंपली आपके पास ये आएगा तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये नंबर खुद ही होगा वन अब अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं देखो ऑर्डर टू क्रॉस टू का तो यहाँ पे टू रोज एंड टू कॉलम्स मेन डायग्नल पे वन ऑफ डायग्नल जीरो अभी हमने कहा कि स्केलर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ डायग्नल एलिमेंट्स तो डायग्नल पेस में वन है बेटा तो दैट मीन्स वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज अगेन इक्वल टू वन ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री का देखो जैसे अगर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री का तो थ्री रोज थ्री कॉलम्स होंगे पहली बात तो फिर देखो मेन डायग्नल पे बेटा फिर से वन आएगा और ऑफ डायग्नल एलिमेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे जीरो अगेन इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगनल की सारी एंट्रीज किसके इक्वल है? है तो वन 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 आपस में जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो हमारे पास वन ही आता है तो देर फोर इसके डिटर्मेंट की वैल्यू भी वन होगी तो किसी भी ऑर्डर का आप आईडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो बेटा तो अगर आप वो लेते हो तो उसके डिटर्मनेंट की वैल्यू कितनी होती है वन राइट right? अगला रिजल्ट देखते हैं नाउ लोकेट रिजल्ट नंबर फोर इसमें देखो हम क्या बोल रहे हैं डिटर्मनेंट ऑफ अ निल पोर्टेंट मैट्रिक्स इज जीरो अब देखो निल पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या था आई होप यू कैन रिकॉल द डेफिनेशन जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बेटा ए इज इट ऑल राइट अगर वो मैट्रिक्स हमारे पास निल पोर्टेंट है तो क्या होता है कि उसकी कोई पावर जाके बनती है नल मैट्रिक्स वेयर पी कैन बी एनी नेचुरल नंबर तो ये हमारे नील पोटेंट की डेफिनेशन थी अब देखो क्यों हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अल पोटेंट मैट्रिक्स जीरो मान लो ए नील पोटेंट है तो किसी पी के लिए ए रेस पर पी क्या बनेगा नल मैट्रिक्स अब देखो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट लेते हैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लो तो ए रेस पर पी का डिटर्मनेंट विल बी इक्वल टू तो डिटर्मनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स अब देखो इसमें एक रिजल्ट होता है हम अभी आगे डिस्कस भी करेंगे बेटा कि रीजन आपको पता चल जाएगा कि अगर आप पावर अंदर लो डिटर्मिनेंट के या बाहर लो एक ही बात है क्योंकि प्रोडक्ट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट को आप अलग अलग डिटर्मिनेंट में सेपरेट कर सकते हो तो पावर अंदर लो या बाहर लो एक ही बात है तो यहां से हमें यह मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज पर पी और देखो नल मैट्रिक्स में तो हर एंट्री जीरो होती है आपकी इज इट ऑल राइट तो अगर हर एंट्री जीरो है तो उसके डिटर्मनेंट की वैल्यू क्या आएगी बेटा जीरो आएगी तो किस नंबर की अगर किसी नंबर की पावर जीरो है तो वो तभी होगा ना जब वो नंबर खुद जीरो है तो दिस एम्प्लाइज यू विल हैव डिटर्मनेंट ऑफ ए टू बी इक्वल टू जीरो इज इट ऑल राइट तो एक तो हमने डेफिनेशन यूज करी कि नील पोर्टेंट वो होता है जिसमें कोई पावर आपकी नल मैट्रिक्स बनाता है और एक ये कि ए रेस पर एन का डिटर्मनेंट इज सेम एज डिटर्मनेंट ऑफ ए रेस पर एन तो यहां पे पावर बाहर लो और हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा तो कोई भी नील पोर्टेंट मैट्रिक्स अगर हम ले तो उसके डिटर्मनेंट की वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू तो जीरो राइट लेट्स मूव ऑन टू तो द नेक्स्ट रिजल्ट देखो अब ये फिफ्थ रिजल्ट इसमें हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक आइडम पोर्टेंट मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मनेंट की वैल्यू बेटा या तो जीरो होती है या वन अब देखो ये रिजल्ट्स करने से ना आपके सारे जो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे इट। तो बात करते हैं हम आइडम पोटेंट मैट्रिक्स की ठीक है तो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है मान लो वो ए है तो पहली बात तो बेटा वो क्या होना चाहिए स्क्वेयर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसके अलावा वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए जिस मैट्रिक्स में ये कंडीशन होती है स्क्वेयर मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स हम बोलते हैं कौन सा मैट्रिक्स है इडम पोर्ट अब चलो शो करते हैं कि इसके डिटर्मनेंट की वैल्यू या तो जीरो है या वन देखो कैसे शो करेंगे यहां पर वी विलेंट ऑन बोथ द साइड तो वी विल है डिटर्मनेंट ऑफ ए स्क्वेर विल बी इक्वल टू डिटर्मनेंट ऑफ ए इज इट ऑल राइट अब यहां भी यही रिजल्ट यूज करोगे कि पावर डिटर्मनेंट के अंदर लो या बाहर लो वो एक ही बात है इज इट right? तो यहां पे ए स्क्वेयर का डिटर्मनेंट है दिस कैन बी रिटर्न एज डिटर्मनेंट ऑफ ए का स्क्वा और ये डिटर्मनेंट ऑफ ए लेफ्ट साइड पे ले आओ तो राइट right साइड पे हमारे पास क्या बचा जीरो और अपने दिमाग में एक बात रखो कि डिटर्मनेंट एक वैल्यू होती है ठीक है ना तो ये जो हम डिटर्मनेंट ऑफ ए लिख रहे हैं इट इज जस्ट अ नंबर अब आप नोटिस करो एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम फैक्टराइज करते हैं डिटर्मनेंट ऑफ ए कॉमन ले लो वी आर लेफ्ट विथ डिटर्मनेंट ऑफ ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो तब होता है बेटा या तो पहली टर्म जीरो हो जाए या सेकेंड टर्म जीरो हो जाए तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग आईदर डिटर्मनेंट ऑफ ए इज जीरो फिर बेटा डिटर्मनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी वन इसको जीरो पुट कर रहे हो तो जीरो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस वन जीरो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू वन दैट मीन्स आइडम पोर्टेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज आइदर जीरो और इट इज इक्वल टू वन अगला देखो रिजल्ट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिजल्ट अब हम बात कर रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा बेटा या तो वन होती है या फिर कितनी होती है माइनस वन राइट लेट्स अब देखो इसमें क्यों ऐसा होता है मान लो हमारे पास मैट्रिक्स ए बेटा क्या है ऑर्थोगोनल है ठीक है सपोज इट इज ऑर्थोगोनल तो ऑर्थोगोनल है तो एक तो इसका मतलब यह हो गया बेटा कि ए विल बी अ स्क्वेयर मैट्रिक्स इट ऑल राइट ए कैसा मैट्रिक्स होगा स्क्वेयर मैट्रिक्स होगा और ऊपर से ए मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है बेटा कौन सी देखो ये कंडीशन कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ए इंटू ए ट्रांसपोज विल बी आई तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अब देखो यहां से कैसे शो करेंगे डेफिनेशन से कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो वन है या फिर माइनस वन तो बात डिटर्मिनेंट की हो रही है तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई अब देखो इसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है बेटा देखो कौन सी प्रॉपर्टी लेट्स सी कि ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं उनको मल्टीप्लाई करके डिटर्मनेंट लो या अलग अलग डिटर्मिनेंट लेके प्रोडक्ट लो आपके पास दोनों के आएंगे इक्वल आएंगे तो यहां पे ये दो मैट्रसेस ही तो हैं ए और ए ट्रांसपोज तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे हम ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू ऑफ ए ट्रांसपोज और आपको याद है अभी अभी हमने प्रॉपर्टी करी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो उसके डिटर्मनेंट की वैल्यू क्या होती है वन एक और रिजल्ट देखो इसमें यूज होगा कि अगर हम ए ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके डिटर्मनेंट की वैल्यू क्या होती है ए के इक्वल मतलब किसी भी डिटर्मनेंट में अगर आप रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज कर दो तो डिटर्मनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इन अदर वर्ड्स ए का डिटर्मनेंट लें या ट्रांसपोज का दोनों सेम होते हैं तो हम यहाँ पे ए ट्रांसपोज का डिटर्मनेंट रिप्लेस कर देंगे किससे से ए से सो वी आर गेटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए

Is it all right? So determinant of an orthogonal matrix is either 1 or minus one. Next result देखो। Next result में हम बात कर रहे हैं involutory matrix की। तो अगर हमारे पास matrix involutory है बेटा, तो उसके भी determinant की वैल्यू या तो one होती है, या फिर minus one। तो देखते हैं क्यों होती है बेटा। तो मान लो आपके पास ए एक involutory matrix है बेटा। सो लेटस टेक इट टू बी इन वोल्यूट्री मैट्रिक्स अब देखो क्या डेफिनेशन थी कोई भी मैट्रिक्स इनवोल्यूट्री तब होता है एक तो उसके लिए ए को क्या होना पड़ेगा बेटा स्क्वेर मैट्रिक्स इज इट ऑल राइट इट शुड बी अ स्क्र मैट्रिक्स और उसके अलावा प्रॉपर्टी ये होती है कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई मतलब उस मैट्रिक्स का स्क्वेयर जो है बेटा वो क्या होना चाहिए तो दैट इट इज इनवोल शो करते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज आईर वन और माइनस वन उसके लिए देखो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वेयर विल बी इक्वल टू डिटर्मनेंट ऑफ आई अब फिर से ये यूज करो कि ए रेस पर एन का डिटर्मनेंट ले या डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन लें बात एक ही होती है तो स्क्वेयर ये जो है पावर टू को बेटा बाहर लेकर जा सकते हैं और फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज ऑलवेज वन ये भी अभी हमने प्रॉपर्टी में किया फिर से देखो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्र वन है तो किसी भी नंबर का स्क्वेयर अगर वन है तो वो नंबर बेटा क्या होगा आइदर वन और -1. So this implies determinant of A is either 1 या फिर बेटा determinant of A कितना है -1. तो ये हमने show कर दिया कि involutory matrix के determinant की value is either 1 और -1. Is it all right? Let's move on to the next result now. आप देखो next result हमारा ये है कि determinant of a skew symmetric matrix of odd order अगर आप एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हो जो कि ऑर्ड ऑर्डर का है जैसे ऑर्डर वन ऑर्डर थ्री ऑर्डर फाइव तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी जीरो right? तो हम एज्यूम करते हैं मान लो ए हमारा कैसा मैट्रिक्स है बेटा सपोज इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो इसकी डेफिनेशन रिकॉल करते हैं हम कोई भी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक कब होता है बेटा उसके लिए ए होना चाहिए आपका एक तो देखो स्क्वेयर मैट्रिक्स इज इट ऑल राइट ए शुड बी अ स्क्वेयर मैट्रिक्स और कंडीशन होती है कि ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू माइनस ए दिस इज द कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी स्क्यू सिमेट्रिक कि एक ऐसा स्क्वेयर मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम शो करेंगे जीरो है अगर ए ऑड ऑर्डर का है हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ ए बी एन क्रॉस एन एंड एन इज ऑड ठीक है एन ऑड है तो वन क्रॉस वन थ्री क्रॉस थ्री एंड सो ऑन अब देखो यहां पे ए ट्रांसपोज माइनस ए है तो डिटर्मिनेंट ले लेंगे सो वी हैव ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए दिस एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू डिटर्मनेंट ऑफ माइनस ए ये हो गया अब एक रिजल्ट तो देखो लेफ्ट साइड पर हमारा ये यूज हो जाएगा कि एका डिटर्मिनेंट हम लें या फिर बेटा उसके ट्रांसपोज का एक ही बात होती है क्योंकि डिटर्मिनेंट में रोज या कॉलम्स इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती बेटा तो लेफ्ट साइड पे जो ए रेस पर ट्रांसपोज का है क्या करोगे उसको उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लो ये देखो अब राइट right साइड पे जरा ऑब्जर्व करो ये जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए इसको अलग से देखो इसका मतलब है माइनस वन की पावर माइनस वन मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स ए अब देखो इसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी आपको याद होगा डिटर्मिनेंट्स में जब हम प्रॉपर्टीज करते हैं तो एक प्रॉपर्टी खास तौर पे करते हैं कि अगर आपका ए एन क्रॉस एन ऑर्डर का है और के कोई भी स्केलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ए होता है बेटा के रेस पर एन टाइम्स डिटर्मनेंट ऑफ ए सो दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज ऐसा क्यों होता है डिटर्मिनेंट में एक ही बार के क्यों नहीं बाहर आता क्योंकि मैट्रिक्स में तो जैसे हर एलिमेंट में से बेटा स्केलर बाहर आता है डिटर्मिनेंट में रो वाइज या कॉलम वाइज बाहर आता है तो अगर आपके पास ए का ऑर्डर एन क्रॉस एन है तो उसमें या तो आपके पास कह लो कि एन रोज हैं या बोल लो कि एन कॉलम्स हैं दोनों ही एन एन होंगे तो अगर हम रो वाइज कॉमन ले रहे हैं के तो के के रो वाइज एन टाइम्स के रेस पार एन बाहर आएगा इसी तरह से अगर आप कॉलम वाइज ले रहे हो तो कॉलम वन से के कॉलम टू से के कॉलम थ्री एन सो ऑन कॉलम एन से के तो अगेन के इन टू के इन टू के के रेस पार एन विल बी कॉमन तो यहाँ पे वो स्केलर ना माइनस वन है तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि एक तरह से ये इक्वल हो गया माइनस वन की पावर एन इन टू डिटर्मेंट ऑफ ए तो कोई भी स्केलर बाहर पावर के साथ आता है और वो पावर क्या होती है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर इज इट ऑल राइट तो यहां पे ये यह हो गया माइनस वन रेस पर एन इन टू डिटर्मेंट ऑफ एज इट ऑल राइट जो कि हमने यहां पे बताया क्यों इसके इक्वल होगा अब देखो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि एन इज ऑर्ड एन हमारा ऑर्ड है आपको पता है जब एन ऑर्ड होता है माइनस तो वन की पावर ऑट पावर आपको क्या देती है ऑट नंबर तो इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मनेंट ऑफ ए व्हाट डज दिस एम्प्लाय डिटर्मनेंट ऑफ ए विल बी माइनस ऑफ डिटर्मनेंट ऑफ ए इज ऑल राइट ये होगा तो इस तरफ ले आओ यहां पे हो गया टू टाइम्स डिटर्मनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो टू से डिवाइड कर दो बेटा दिस शोज दैट डिटर्मनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो इट ऑल राइट तो अगर आपके पास एक देखो स्क्यू सिमिट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है तो ही आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है क्यों क्योंकि उसी केस में बेटा आपके पास ये माइनस वन की पावर एन में अगर एन ऑड है तभी माइनस बाहर आएगा देखो अगर एन इवन होता तो क्या हो जाता अगर जैसे एन ईवन होता तो ये प्लस हो जाता ना तब तो आपको सिर्फ क्या मिलता डिटर्मनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो यहां से हमें सिर्फ वो रिजल्ट मिल जाता तो ऑड के लिए हमें रिजल्ट मिलता है कि डिटर्मनेंट ऑफ एज माइनस ऑफ डिटर्मनेंट ऑफ ए दैट इज टू टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो तो डिटर्मनेंट की वैल्यू जीरो तो इसका मतलब अगर हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड की बजाय ईवन का है ऑर्डर का तो क्या हम कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में देखो उसकी वैल्यू तो नहीं बता सकते वो तो डिटर्मनेंट में जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा जैसे इसकी तो वैल्यू फिक्स है अगर ऑड ऑर्डर का है तो वैल्यू इज फिक्स इट इज गोइंग टू बी जीरो इवन में वैल्यू फिक्स तो नहीं होती लेकिन हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज ऑलवेज अ नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वेयर देखो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं लेट मी टेक ए टू बी ऑर्डर ऑफ टू क्रॉस टू और मान लो ए है बेटा हमारा क्या स्क्यू सिमेट्रिक इज इट ऑल राइट मान लो ए मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम एक बनाते हैं ऑर्डर मान लो टू क्रॉस टू का तो आप यहां पे देखो इवन ऑर्डर का लेना है ना टू क्रॉस टू लोगे या फोर क्रॉस फोर लोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज कर रहे थे या सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि इसके क्या होता है मेन डायग्नल की एंट्रीज होती हैं जीरो और ऑफ डाइग्नल एलिमेंट्स क्या होते हैं आपस में बेटा एक दूसरे के नेगेटिव मतलब अगर एक ए है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस ए अब देखो इसका डिटर्मनेंट निकालते हैं ज़रा तो यहां पे डिटर्मनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू कैसे निकालोगे ऑर्डर टू का डिटर्मनेंट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यही तो डेफिनेशन है तो अप्लाई कर देते हैं बेटा यहां पे तो ये हो गया जीरो माइनस ऑफ माइनस ए इंटू ए दैट मीन्स वी आर गेटिंग डिटर्मनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बेटा तो डिटर्मनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर जो कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर बेटा तो ए स्क्वायर जो हमारे पास आया है दैट इज परफेक्ट स्क्वायर इज इट ऑल राइट ये है. तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते वो तो आपका ए जो नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा पर इतना पता चल गया हमें कि अगर हम एक एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं इवन ऑर्डर का तो डिटर्मनेंट की वैल्यू होगी नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर अगली रिजल्ट देखो अब देखो ये रिजल्ट हम यूज भी कर रहे थे ये बेसिक रिजल्ट्स हैं कि अगर आपके पास दो मैट्रसेज हैं उनका प्रोडक्ट लेके फिर डिटर्मिनेंट लो या अलग अलग डिटर्मिनेंट लेके प्रोडक्ट लो बेटा बात एक ही होती है तो पहला रिजल्ट हमारे पास ये है जिसमें ऑब्वियसली ए और बी क्या होंगे स्क्वेयर मैट्रसेज ऑफ सेम ऑर्डर तभी तो उनका डिटर्मिनेंट डिफाइंड होगा और right? फिर इसी रिजल्ट को अगर हम एक्सटेंड करते हैं जैसे इसमें दो हैं मैट्रसेज तो अगर आपके पास एन मैट्रसेज हैं दो में जैसे डिटर्मनेंट अलग अलग ले सकते हो तो एन मैट्रसेज में भी आप डिटर्मनेंट अलग अलग ले सकते हो वेयर ए वन ए टू ए एन आर स्क्वेयर मैट्रसेज ऑफ सेम ऑर्डर क्योंकि तभी उनका प्रोडक्ट और डिटर्मनेंट दोनों ही डिफाइंड होंगे अब देखो तीसरा ये जो है ट्वेल्थ पार्ट है ये भी हम बहुत अभी यूज कर रहे थे प्रूफ करने के लिए जैसे हमने ऑर्थोगोनल का प्रूफ किया डिटर्मनेंट या इनवोल्यूट्री का किया ये कैसे आया देखो ऑब्जर्व करो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करते हैं a रेस पार n की इसका मतलब है डिटर्मिनेंट के अंदर आपके पास a a a मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी बार बेटा n टाइम्स इज इट ऑल राइट आप देखो ये इलेवेंथ रिजल्ट कि अगर मैट्रिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर डिटर्मिनेंट लें या सेपरेटली डिटर्मिनेंट लेके उनको मल्टीप्लाई करें रिजल्ट विल बी सेम तो इसमें अगर हम सेपरेट कर दें बेटा तो इट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड सो ऑन हाउ मेनी टाइम्स बेटा एन टाइम्स इज इट ऑल राइट तो ये बन गया हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन तो so आपने देखा पावर अंदर लिखें या बाहर लिखें एक ही बात होती है इज इट ऑल राइट तो ये हो गए बेटा हमारे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट किसके ऊपर डिटर्मनेंट्स के ऊपर ऑल राइट अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे इज इट ऑल राइट तो देखो अगला टॉपिक है हमारा रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट तो ये रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट होता क्या है इट इज़ नॉट कि आपने किसी स्क्वेयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया और उसका रेसिप्रोकल ले लिया नो वॉट इट इज लेटेस सी सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट, बेटा ना लेटे सी वॉट डू वी मीन बाई इट अब देखो इसमें आपके पास अगर कोई डिटर्मनेंट है जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स है ऑर्डर एन क्रॉस एन का आप देख रहे हो मैट्रिक्स एन क्रॉस एन के डिटर्मिनेंट को हमने लिया हुआ है और डी से डिनोट कर रहे हैं बेटा फिर अगर हम डी डैश से एक नया डिटर्मिनेंट ले रहे हैं जिसके देखो एलिमेंट्स क्या हैं सी वन वन सी वन टू सी वन एन एंड सो ऑन जिसमें बेटा सी आई जे इज इट ऑल राइट सी आई जे जो है इट इज को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे तो नया जो डिटर्मिनेंट हमने ये डी डैश बनाया है ना वो जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट थे बेटा उनके क्या लिए हैं को लिए हैं तो ये जो नया डिटर्मिनेंट बनता है इसको कहते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट। मतलब कोई भी आप मैट्रिक्स ले लो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री का लेते हैं तो ऑब्जर्व करो सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री एज ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ठीक है फिर हमारे पास है ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री देन वी हैव ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री तो ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री का ये मैट्रिक्स हो गया मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम डिनोट कर रहे हैं किससे डी से इज इट ऑल राइट तो अगर हम बेटा एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें हम को फैक्टर्स ले रहे हैं इसके तो वी आर टेकिंग कि सी आई जे इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे इज इट ऑल राइट तो एक नया मैट्रिक्स आपने बनाया सपोज ये सी वन वन जो कि ए वन वन एलिमेंट का को फैक्टर है फिर सी वन टू फिर सी वन थ्री मतलब हर एलिमेंट का हम को फैक्टर ले रहे हैं बेटा सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री फिर सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री को फैक्टर आई होप यू रिमेंबर जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं इस एलिमेंट का को फैक्टर क्या होता है माइनस वन की पावर आई प्लस जे इन टू क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑप्टेन बाय डिलीटिंग आई आईअ जे एनजे कॉलम इज ऑल राइट तो ये अगर आपके पास बेटा मैट्रिक्स मान लो सी है सी से डिनोट कर रहे हैं विच इज मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स और मान लो सी के डिटर्मिनेंट को हम डिनोट कर रहे हैं डी डैश से इज ऑल राइट तो हमारा रिजल्ट क्या है बेटा पहली बात तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है अब जैसे डी डैश को आप कैसे लिखोगे डिटर्मिनेंट लिखना है तो हम डिटर्मिनेंट का सिंबल डाल देंगे C11, C12, C13, C21, C1 C22, C23, C31, C32, C33. तो दिस विल बी कॉल्ड एज रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट ऑफ ए ठीक है तो ये है रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट क्या होता है जिसकी हर एंट्री इज को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स गिवन इन ओरिजिनल मैट्रिक्स इतना ही नहीं हम एक बात और कह रहे हैं देखो यहां पे जैसे अगर हमने n लिया है बेटा ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट डी आपको पता है डिटर्मिनेंट आप सिर्फ स्क्वेयर मैट्रेस के डिफाइन कर सकते हैं तो ऑर्डर एन है इसका मतलब है कि ऑर्डर कितना है एन क्रॉस एन मीन्स देर आर एन रोज एन एन कॉलम्स तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें ये मिलता है कि d डैश इज इक्वल टू टी की पावर n माइनस वन जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं ये जो हमने मैट्रिक्स लिया है बेटा इट इज ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम डी से डिनोट कर रहे हैं और जो को फैक्टर से हमने डिटर्मिनेंट बनाया है उसकी डी डैश से तो रिजल्ट ये होगा कि डी डैश विल बी इक्वल टू डी की पावर थ्री माइनस वन क्योंकि थ्री ऑर्डर है तो इसका मतलब हो गया डी डैश कितना होगा डी स्क्वायर बेटा ठीक है अगर हमारे पास ऑर्डर कितना है थ्री क्रॉस थ्री तो जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स आए ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री का तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि रेसिप्रोकल डिटर्मनेंट क्या होता है इट इज़ बेटा नॉट दी रेसिप्रोकल आप डिटर्मनेंट निकाल लो उसका रेसिप्रोकल ले लो नहीं रेसिप्रोकल डिटर्मनेंट होता है जिसकी हर एंट्री को फैक्टर होती है जो गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनका और अगर हमें उसके डिटर्मनेंट की वैल्यू चाहिए तो आपको को निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना इस डेफिनेशन को यूज करके बेटा बहुत लेंदी हो जाएगा तो बिना कोफैक्टर निकाले आप बता सकते हो इनसे जो डिटर्मिनेंट बना है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डी का स्क्वायर अगर ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री है और इन जनरल इट विल बी डी रेस पर एन माइनस वन अगर ऑर्डर कितना है एन क्रॉस एन इस ओके बेटा तो ये इसे कहते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मनेंट अब देखो हम बात करते हैं यूज ऑफ सिग्मा इन डिटर्मनेंट सिग्मा का मतलब होता है बेटा समेशन जिसमें हम ऐड करेंगे क्या रिजल्ट हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक डिटर्मनेंट है बेटा जिसको डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं और वो आर की टर्म्स में है तो आप नोटिस करो सिर्फ रो वन में जो फंक्शंस हैं वो आर की टर्म्स में हैं मतलब रो वन आप देख सकते हो बेटा इट इज़ डिपेंडेंट ऑन आर तो रो वन किसके ऊपर डिपेंडेंट है आर के ऊपर अगर हमारी डिपेंडेंट है अब आप नोटिस करो रो टू के एलिमेंट्स हैं ए बी सी रो थ्री के एलिमेंट्स हैं ए वन बी वन सी वन और ये सारे के सारे देखो क्या हैं कॉन्स्टेंट्स हैं इनडिपेंडेंट ऑफ आर मतलब अगर आर वेरी करेगा तो यहाँ पे रो टू और रो थ्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सिर्फ किस पे फर्क पड़ेगा बेटा रो वन पे फ़र्क पड़ेगा तो अगर आप इन डिटर्मिनेंट्स को ऐड करते हो सिग्मा का मतलब ऐड कर रहे हैं और आर वेरी कर रहा है बेटा वन टू एन तो हम कहते हैं कि रो टू रो थ्री वही रखो क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहे देखो ठीक है यहां ये एलिमेंट बेटा ए है ठीक है दिस इज ए तो वो एलिमेंट्स वही आ रहे हैं देखो ए बी सी ए वन बी वन सी वन ये वाले में आर वेरी करेंगे वन से एन तक तो मतलब एफ ऑफ वन प्लस एफ ओफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ एन तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने ये लिख दिया है सिग्मा एफ आर आर वेरिंग फ्रॉम वन टू तो एन इसी तरह जब हम इसको वेरी करेंगे तो हमारे पास आएगा g1 वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री, तो इट विल बी सिग्मा जी आर आर वेरिंग फ्रॉम वन टू तो एन एंड सिमिलरली एच आर में ये हो जाएगा इज इट ऑल राइट ये है अब देखो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर आप डिटर्मिनेंट्स को ऐड करते हो तो एक ही ऐड हो गई अब जैसे एक एग्जांपल लेके यहाँ पे हम देखते हैं लेट मी टेक वन एग्जाम्पल ओवर हेयर इसको समझने के लिए सपोज आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है या सीधा डिटर्मनेंट ही ले लेते हैं यहां पे देखो सपोज आई हैव डेल्टा आर टू बी इक्वल टू इट इट ऑल राइट मान लो यहां पे है आपका एफ ऑफ आर ये है जी ऑफ आर और ये है एच ऑफ आर तो हम यहां पे ले रहे थे कॉन्स्टेंट ए बी सी ए वन बी वन सी वन मान लो मुझे निकालना है सिग्मा डेल्टा आर और आर वेरी कर रहा है वन से लेकर थ्री तक अब आप नोटिस करो इसका मतलब क्या है डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री आर वेरी कर रहा है ना तो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री अब देखो डेल्टा वन में ये आर की वैल्यू कितनी है वन तो जहाँ भी आर है उसके बदले में क्या आएगा वन आएगा तो पहला डिटर्मिनेंट देखो हमारे पास ये बन गया बेटा इट इज इक्वल टू नोटिस करो वॉट इट इज इट इज एफ ऑफ़ वन जी ऑफ़ वन और एच ऑफ वन फिर ये वही है ए बी सी ए वन बी वन सी वन अब देखो डेल्टा टू लेते हैं इसमें आपके पास आर कितना है टू तो फर्स्ट रो हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ टू जी ऑफ टू और एच ऑफ टू इज इट ओके फिर वही है ए बी सी ए वन बी वन सी वन और फिर देखो तीसरा डिटरमिनेंट डेल्टा थ्री इसमें नोटिस करो बेटा आर की वैल्यू कितनी है थ्री है तो जहां भी आर है उसके बदले में थ्री ले, ले लेते हैं सो वी हैव एफ ऑफ थ्री जी ऑफ थ्री एच ऑफ थ्री ऑल और ये रोज सेम है ए बी सी ए वन बी वन सी वन अब आपको याद होगा डिटर्मनेंट में एक प्रॉपर्टी होती है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन रो और कॉलम कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन डिटर्मनेंट कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मनेंट्स तो यहाँ पे उसका रिवर्स अप्लाई हो रहा है टर्म्स में एडिशन हो रही होती है एक रो या एक कॉलम में तो आप डिटर्मनेंट स्प्लिट कर सकते हो यहाँ पे हम इसको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके यू कैन राइट इट एज अ सिंगल डिटर्मनेंट जिसमें आपके पास रो टू और रो थ्री वही आएंगे जो हमारे पास पहले थे पहली एंट्री रो वन की हो जाएगी एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री इज इट ऑल राइट फिर यहाँ पे इसी तरह से जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री और यहाँ पे अगली एंट्री देखो क्या हो जाएगी इसको थोड़ा सा बेटा एक्सटेंड कर देते हैं तो ये हो जाएगी एच ऑफ वन प्लस एच ऑफ टू प्लस एच ऑफ थ्री ये वही आएगा C और C1 अब देखो अगर आप रिवर्स देखो अगर आपके पास ये डिटर्मनेंट होता आप नोटिस करते रो वन में एवरी टर्म इज सम ऑफ थ्री टर्म्स तो आप इसको स्प्लिट करके ऐसे ही लिखते ना कि इट कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ समीज थ्री डिटर्मनेंट्स जिसमें एट ए टाइम आप एक रो स्प्लिट कर रहे हो तो रो वन को हमने स्प्लिट किया है तो बस यहाँ पे हमने उसका क्या लिखा है बेटा रिवर्स लिखा है इज इट ऑल राइट तो यही हमारा ये रिजल्ट था अब देखो इसके क्वेश्चन करने के लिए हमें यहां पे इन सीरीज की जरूरत पड़ती है ठीक है जो आप प्लस वन में करते हो जैसे स्पेशल सिक्वेंसेज में सिग्मा आर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज हाउ मच इट इज एन इन टू एन प्लस वन बाई टू फिर सिग्मा आर स्क्वेयर इसका मतलब या सिग्मा एन स्क्वेयर कह दो सम ऑफ स्क्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नैचुर इट इज गिवन बाय एन इन टू एन प्लस वन इन टू एन प्लस वन बाय सिक्स फिर सिग्मा आर क्यूब आर वेरिंग फ्रॉम वन तो टू एन या शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा एन क्यूब कहते हैं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच एन इन टू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वेयर फिर अगर हम कॉन्स्टेंट को ऐड करते हैं बेटा एन टाइम्स देखो आर वन से एन तक वेरी हो रहा है तो ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स लोगे तो कितना आएगा ए एन आएगा फिर यहाँ पे अगर हमारे पास ये है डेल्टा लेमडा माइनस वन लेमडा की पावर आर माइनस वन इसमें आर वेरी करोगे तो आपको जीपी मिलेगी जीपी की एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो यू विल गेट दिस सम समेमडा एन माइनस वन तो ये सीक्वेंस आपकी क्या बनेगी बेटा यहाँ पे जब भी पावर वेरी करती है तो हमें क्या मिलती है जीपी फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम ये रिजल्ट करते हैं कि साइन की टर्म्स में अगर सीरीज होती है जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड पे आर वेरी कर रहा है तो पहली टर्म साइन कितना अल्फा फिर दूसरा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस टू बीटा अल्फा प्लस थ्री बीटा तो ये जो एंगल्स हैं आपके ये जो एंगल्स हैं ये एंगल्स हो जाते हैं आपके किस किसमें एपी में नॉट द कंप्लीट टर्म ओनली एंगल्स आर इन ए पी तो फिर हम उस सीरीज का सम ये देते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बाय टू इन टू बीटा फिर साइन एन बीटा बाय टू अपॉन साइन बीटा बाय टू मतलब फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपऑन टू साइन एन बीटा बाय टू अपॉन साइन बीटा बाय टू इज इट ओके तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं आप देखो एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसको यूज कैसे करना है ठीक है तभी आपको पता चलेगा सो लेट मी राइट अ क्वेश्चन ओवर हेयर मान लो हमें दिया हुआ है कि लेट डेल्टा आर बी इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट बेटा जिसमें हमारे पास पहला कॉलम है आर माइनस वन आर माइनस वन का स्क्वेयर आर माइनस वन का क्यूब इज इट ऑल राइट नेक्स्ट कॉलम है एन टू एन स्क्वेयर बेटा एन देन वी हैव थ्री एन स्क्वेर और थर्ड कॉलम में टर्म्स हैं सिक्स फोर एन माइनस टू और आखिरी टर्म यहाँ पे है बेटा थ्री एन स्क्वेर और माइनस कितना थ्री एन सपोज दिस इज डेल्टा आर डिटर्मिनेंट और हमें ये कहा जाता है कि शो दैट क्या शो करना है आपको कि सिग्मा डेल्टा आर जिसमें बेटा आपका आर वेरी कर रहा है वन से एन तक कि ये सम कितना है जीरो आप देखो इसको कैसे शो करेंगे आप नोटिस करो पहले तो अगर हम सिग्मा डेल्टा आर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा डेल्टा आर आर वेरिंग फ्रॉम वन टू एन इज इट ऑल राइट ये हम ले रहे हैं बेटा तो आप नोटिस करो जैसे सिर्फ फर्स्ट कॉलम में बेटा आर है बाकी में आर नहीं है तो सिर्फ कॉलम वन डिपेंडेंट है आर के ऊपर तो एक रो या एक कॉलम ही वेरी करना चाहिए इनरेट ओनली वन रो और वन कॉलम शुड वेरी तो यहाँ पे मैं पुट करती हूँ जैसे इसका मतलब हो गया एक तरह से डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री एंड सो ऑन अपिल कितना डेल्टा एन अब देखो अगर यहाँ पे हम लेते हैं तो पहला कॉलम देखो डेल्टा वन में उसमें आर कितना है वन तो यहां पे आर को वन पुट करो ये हो गया जीरो जीरो स्क्वेर ज़ीरो क्यूब बाकी की दोनों कॉलम्स वही रहेंगे जिनको मैंने डैश से डिनोट कर दिया मतलब ओरिजिनल वाले अब लेते हैं डेल्टा टू तो आर की वैल्यू बेटा टू है तो यहां पे आर के बदले में टू आ जाएगा तो इट विल बी वन वन स्क्वेयर वन क्यूब और बाकी के दोनों कॉलम सेम आएंगे ओरिजिनल वाले जो हैं फिर डेल्टा थ्री लेते हैं बेटा तो डेल्टा थ्री ले रहे हो तो आर की वैल्यू थ्री है तो यहाँ पे कॉलम वन में आर को थ्री लो सो वी आर गेटिंग टू टू स्क्वेयर टू क्यूब एंड रिमेनिंग कॉलम्स विल रिमेन एज इट इज फिर आखिरी ले लो लास्ट वाला लेते हैं डेल्टा एन तो उसमें आपका आर कितना है बेटा एन है तो यहाँ पे देखो अगर आर एन है तो दिस विल बी एन माइनस वन देन वी हैव एन माइनस वन का स्क्वेयर और फिर है एन माइनस वन का क्यूब और बाकी के दोनों कॉलम्स हमारे एज इट इज आ जाएंगे इज इट ऑल राइट ये देखो तो ये हमने इसको लिख दिया अब आप नोटिस करो अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं या रिजल्ट जो हमने किया है जैसे मैंने आपको यहां पे दिखाया बेटा अगर ये अलग अलग हैं और एक ही रो वेरी कर रही है तो आप कंबाइन कर सकते हो अब इन डिटर्मिनेंट्स में क्या हो रहा है बेटा हमारा एक ही कॉलम वेरी कर रहा है बाकी के दो कॉलम्स हमारे सेम हैं तो इसमें हम इन कॉलम्स को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं तो ये सारे जो इन डिटर्मिनेंट्स हैं इनका सम बेटा एक सिंगल डिटर्मिनेंट आ जाएगा जिसमें कॉलम वन में आएगा ज़ीरो प्लस वन प्लस टू अप टिल एन माइनस वन फिर हमारे पास आएगा ज़ीरो स्क्वेयर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वेयर अप टिल एन माइनस वन का स्क्वायर देन वी विल हैव जीरो क्यूब प्लस वन क्यूब प्लस टू क्यूब और अपटिल एन माइनस वन का क्यूब ये आ जाएगा बेटा इज इट ऑल राइट अब देखो बाकी के दोनों कॉलम ओरिजिनल लेने हैं जो कि कितने थे एन टू एन स्क्वेयर थ्री एन स्क्वेयर आई विल राइट हेयर एन टू एन स्क्वेयर थ्री एन स्क्वेयर और फिर आखिरी कॉलम था सिक्स फोर एन माइनस टू एंड देन वी हैड थ्री एन स्कोर माइनस थ्री एन तो ये रिजल्ट हमने अप्लाई किया अब देखो हम ये सीरीज का सम निकालते हैं ठीक है यहां पे देखो ये सम कितना आएगा अब जैसे हम बोल रहे थे सिग्मा एन होता है ऑब्जर्व करो सिग्मा एन था जैसे हमारे पास वन से लेकर एन तक का सम इट यूज टू बी एन इंटू एन प्लस वन बाई टू तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास सिग्मा एन माइनस वन है मतलब वन से लेकर एन माइनस वन तक का सम ले रहे हो तो यहाँ पे एन की जगह एन माइनस वन लोगे तो एन माइनस वन इंटू एन अपॉइंट टू जीरो एड करें ना करें फर्क थोड़ी पड़ता है सम पे। इसी तरह देखो अगर आपके पास सिग्मा एन स्क्वेयर मतलब वन स्क्वेर से लेकर एन स्क्वेयर तक का सम अगर हम ले रहे थे इट वॉज एन इन टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई सिक्स तो अगर हम सिग्मा एन माइनस वन का स्क्वायर लेते हैं मतलब वन स्क्वायर से लेकर बेटा एन माइनस वन स्क्वायर तक का सम ले रहे हो तो ये सम आपका कितना आ जाएगा यहां पे जो भी एन है उसको एन माइनस वन से रिप्लेस करो तो एन माइनस वन इन टू एन इंटू टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स सिमिलरली देखो अगर हमारे पास सिग्मा एन क्यूब था मतलब वन से लेकर एन तक नेचुरल नंबर्स के बेटा क्यूब करके उनको ऐड कर रहे थे तो हम बोल रहे थे ये सम है एन इन टू एन प्लस वन बाय टू का square. तो अगर हमारे पास सिग्मा एन माइनस वन का क्यूब है मतलब वन क्यूब से लेकर आप एन माइनस वन क्यूब तक जा रहे हो एन क्यूब तक नहीं जा रहे एक पिछली टर्म तक है तो एन के बदले में एन माइनस वन ले लेंगे तो इट इज एन माइनस वन अपॉन एन बाय टू का स्क्वायर अब हम ये रिजल्ट्स अप्लाई कर देते हैं ये देखो एक तो मुझे ये चाहिए सिग्मा एन माइनस वन विच इज इक्वल टू दिस। देन वी रिक्वायर सिग्मा एन माइनस वन का स्क्वायर जो कि इसके इक्वल है राइट right? और फिर हमें चाहिए बेटा सिग्मा एन माइनस वन का क्यूब जो कि इस टर्म के इक्वल है तो हम निपुट कर देते हैं यहां पे ये देखो दिस इज सिग्मा एन माइनस वन ये है सिग्मा एन माइनस वन का स्क्वायर और ये है सिग्मा एन माइनस वन का क्यूब तो निकालते हैं हम हमारा ये सिग्मा डेल्टा आर जिसमें आर वेरी कर रहा है वन से लेकर एन तक तो लेट मी राइट ओवर बेटा। अब देखो सिग्मा डेल्टा आर आर वेरी कर रहा है वन से एन तक तो फर्स्ट कॉलम में सिग्मा एन माइनस वन आया एन माइनस वन इंटू एन बाई टू फिर फर्स्ट कॉलम में सेकेंड टर्म थी सिग्मा एन माइनस वन का स्क्वेयर विच इज एन माइनस वन इन टू एन इंटू टू एन माइनस वन एन डिवाइडेड बाय सिक्स और फिर तीसरी टर्म कॉलम वन की थी सिग्मा एन माइनस वन का क्यूब जो कि ये देखो है एन माइनस वन इन टू इसको स्क्वेयर कर लो चाहे इन टू एन स्क्वेयर एन डिवाइडेड बाय फोर कॉलम टू देखो हमारे पास था एन टू एन बेटा एंड देन वी हैड थ्री एन और कॉलम थ्री की टर्म्स थी सिक्स फोर एन माइनस टू और फिर था थ्री एन और माइनस थ्री एन तो अब हमें ये डिटर्मिनेट चाहिए अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कॉलम वन में देखो क्या कॉमन है एक तो न्यूमिनेटर में देखो n इन टू एन माइनस वन इज कॉमन एक एक बार इनमें से कॉमन आएगा और एक इनमें अब देखो टू सिक्स और फोर इनका अगर हम एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा ट्वेल्व तो लेटेस्ट एन इंटू एन माइनस वन बाय ट्वेल्व कॉमन फॉर्म कॉलम वन तो कॉलम वन से बेटा मैं ये ले रही हूँ कॉमन अब यहाँ पे पहली टर्म क्या आ जाएगी देखो सिक्स आ जाएगी फिर इसमें से एन इंटू एन माइनस वन बाय ट्वेल्व कॉमन लिया तो वी आर लेफ्ट फे टू इंटू टू एन माइनस वन से एक तो न्यूमिनेटर में बचेगा एन इन टू एन माइनस वन और एक वन बाय ट्वेल्व लिया है तो यहां पर क्या आएगा थ्री तो कॉलम वन में से हमने ये टर्म कॉमन ले ली बाकी की दोनों कॉलम्स एज इट इज बेटा एन एन टू एन स्क्र थ्री एन स्क्र देन वी हैव सिक्स फोर एन माइनस टू एन देन वी हैव थ्री एन स्क्र और माइनस थ्री एन अब आप नोटिस करो यहां पर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वी आर गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू एन एन टू एन माइनस वन माइनस टू थ्री एन स्कोर माइनस थ्री एन बाकी के कॉलम्स वही रखो तो हमारे पास ही आ गया इज इट ऑल राइट नाउ यू कैन नोटिस वन थिंग वॉट इज दैट आपको क्लियरली पता चल रहा होगा येस कॉलम वन बेटा हमारा और कॉलम थ्री क्या आ गए आइडेंटिकल ऑब्जर्व करो ये कॉलम वन और कॉलम थ्री हमारे आइडेंटिकल हैं तो आपको पता है किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रोज़ या दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है जीरो एंड ज़ीरो इंटू दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो तो इसका मतलब हमें रिजल्ट ये मिल गया बेटा कि सिग्मा डेल्टा आर आर वेरिंग फ्रॉम वन टू एन इज़ हाउ मच तो यही बात हमें शो करनी थी इज इट ऑल राइट सो दैट इज वॉट वी हैड टू शो तो आपने देखा हमने जो अलग अलग डिटर्मनेंट्स थे उनको ऐड करके क्या बना लिया सिंगल डिटर्मनेंट बना लिया तो यहां पे हमने ये रिजल्ट या ये वाली प्रॉपर्टी बेटा अप्लाई की है कि जो हमारे एन डिटर्मनेंट्स थे उनका सम ज दिस सिंगल डिटर्मनेंट और ये तभी होता है बेटा जब किसी आपका डिटर्मिनेंट में या तो एक रो वेरी कर रही है या एक कॉलम वेरी कर रहा हो ठीक है बाकी की दो रोज या दो कॉलम सेम होने चाहिए क्योंकि जब स्प्लिट करते हैं जैसे मैंने बताया रिवर्स करते हैं तो वो भी सिर्फ तभी पॉसिबल होता है इज इज ऑल राइट तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और जैसे मैंने कहा था ये समेन ऑफ सीरीज के रिजल्ट हमें चाहिए होते हैं तो दिस वॉज यूज ऑफ सिग्मा इन डिटर्मिनेट अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की जिसमें हम बात करेंगे कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं डिटर्मेंट्स को यूज करके तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल है बेटा जिसके वर्टेज हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप करते हो बेटा कि उस ट्राइंगल का एरिया ये होता है, है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करते हैं देखो मैं आपको बताती हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे एक ट्राइंगल बनाया आई हैव अ ट्राइंगल सपोज दिस ट्राइंगल हैज एक्स वन वाई वन बी है बेटा एक्स टू वाई टू और सी है एक्स थ्री वाई थ्री इज इट ऑल राइट तो देखो इसका एरिया निकालना होता है तो कॉर्डनेटमेट्री में आप कैसे निकालते थे मान लो इसका एरिया हम डेल्टा से डिनोट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो हम यह करते थे ना देखो हाफ लिख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करते थे आप जिसमें क्या करते थे पहले ए के वर्टिस एक्स वन वाई वन फिर के एक्स टू वाई टू फिर आप लिखते थे सी के एक्स थ्री वाई थ्री और फिर ए के दोबारा लिखते थे x1 y1 और इनको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते थे x1 y2 माइनस एक्स टू फिर x2 y3 थ्री माइनस एक्स थ्री फिर x3 y1 वन माइनस एक्स वन तो देखो वी यूज़ टू गेट डेल्टा टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y2 वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई टू एंड प्लस एक्स थ्री वाई वन और माइनस एक्स वन वाई थ्री इज इट ऑल राइट अब आप एक चीज नोटिस करो अगर यही हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें नो ऑब्जर्व दिस थिंग अगर हम ये कहते हैं कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है डेल्टा वो ये डिटर्मिनेंट है हाफ ऑफ पहले कॉलम में हम लिखेंगे तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तो so, let us write x1, x2, x3। फिर दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे तीनों वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट्स, विच आर y1, y2, y3। और थर्ड कॉलम में लेते हैं बेटा 1, 1, 1। सॉल्व करके देखते हैं इस डिटरमिनेंट को क्या यही रिजल्ट आ रहा है जो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से निकालते थे तो ऑब्जर्व करो रो वन से करना है तो प्लस माइनस प्लस सो अस सी व्हाट डू वी गेट तो डेल्टा विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ नोटिस करो एक्स वन प्लस के साथ रो वन डिलीट करेंगे और कॉलम वन वी है फिर वाई वन को माइनस साइन के साथ लेंगे बेटा तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट होगा तो एक्स टू माइनस एक्स थ्री वी हैव दिस और फिर प्लस वन वन है आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में उसको डिलीट करो कॉरेस्पोंडिंग माइनर आ गया एक्स टू वाई माइनस एक्स अब आप नोटिस करो इसको अगर हम एक्सपैंड कर लें क्या मिल रहा है वी आर गेटिंग एक्स वन फिर ये वाली टर्म लिख लो बेटा माइनस एक्स टू वाई वन देखो एक मैंने ये टर्म लिखी एक्स वन वाई टू अब ये टर्म साथ में लिख लो तो ये हम लिख लेते हैं माइनस एक्स टू वाई वन सो आई हैव टेकन दिस टर्म फिर लेते हैं जैसे एक्स टू थ्री माइनस एक्स थ्री अब ये वाली टर्म मैं लिख रही हूं यहां पे तो लुक लुखियर वी हैव प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई टू इज इट ऑल राइट फिर ये वाली टर्म लो माइनस माइनस प्लस एक्स थ्री वाई वन नाउ वी आर टेकिंग दिस टर्म ये वाली टर्म ले रहे हैं तो वी हैव माइनस माइनस प्लस एक्स थ्री और फिर एक टर्म ये रह गई माइनस एक्स वन वाई थ्री So now I am taking this last term which is left minus x1 y3. Now you can see very easily कि ये वाला जो हमारा expression था area का बेटा ये और ये जो अब हमने निकाला है determinant solve करके it is exactly same. आप देख रहे हो तो दोनों बिल्कुल same है All right? तो x1 y2 minus x2 y1 then we have x2 y3 minus x3 y2 फिर x3 y1 वाई वन माइनस एक्स वन तो एरिया इस तरीके से हम निकाल सकते हैं और देखो इसमें हम एक दो बातें एज अ नोट लिखेंगे पहली बात हम ये एज अ नोट लिखते हैं कि अगर एरिया गिवन होता है तो टेक मॉडुलस क्योंकि इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी मान लो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई वो नेगेटिव भी आ सकती है पर जब आपको एरिया निकालना है वर्टसज गिवन है तो आप मॉड लोगे तो इफ़ वर्टसज आर गिवन पहला पॉइंट ठीक है इफ वर्टिसेस आर गिवन बेटा देन टू फाइंड एरिया टेक मॉडल राइट टू फाइंड एरिया टेक मॉडुलस तो अगर बायचानस नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो मॉड ले लो दूसरा पॉइंट बेटा कई बारी एरिया गिवन होता है और तीनों वर्टिसेस में कोई एक अनोन होता है जिसकी वैल्यू निकालनी है तो so, अगर एरिया गिवन होगा तो प्लस माइनस साइन दोनों लोगे तो लेटस राइट इफ एरिया इज गिवन तो अगर हमारे पास एरिया गिवन है बेटा इफ एरिया इज गिवन देन टेक प्लस माइनस साइन बोर्ड इज इट ऑल राइट तब दोनों साइंस लेने हैं हमने क्योंकि तब ऐसे दो वैल्यूज हो सकती हैं जिनके लिए सेम एरिया आ जाए और एक पॉइंट तीसरा देखो कि इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कुलीनियर अगर हमारे पॉइंट्स बेटा कुलीनियर होते हैं तो जब पॉइंट्स कुलीनियर का मतलब ये होता है कि आपके पास तीनों पॉइंट्स बेटा आर लाइंग ऑन वन लाइन तो उस केस में ट्राइंगल तो बनता नहीं है तो उस केस में बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वी नो दैट इज इक्वल टू जीरो तो हम बोल रहे हैं जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ले सकते हैं तो अगर एरिया जीरो है तो मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए जीरो तो दिस इंप्लाइज अगर पॉइंट्स बेटा हमारे कुलीनियर होंगे ठीक है अगर पॉइंट्स कुलीनियर हैं तो दिस डिटरमिनेंट x1 x2 x3, then y1 y2 देन and then वाई एंड देन वन 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 तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी जीरो बेटा इज इट ऑल राइट तो ये तीन पॉइंट्स हमने दिमाग में रखने हैं आप देखो जैसे एक इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं जैसे मैंने आपको कहा कि कभी एरिया गिवन हो तो दोनों केसेस लेने हैं, मान लो क्वेश्चन ये है हमारा कि फाइंड एक्स लेटेस्ट टेक दिस एग्जांपल फाइंड एक्स इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो वर्टिसेस क्या गिवन है बेटा वर्टिसेस सपोज हमें गिवन है टू कॉमा थ्री देन वी हैव एक्स कॉमा वन एंड फोर कॉमा सिक्स इज थ्री पॉइंट फाइव स्क्वेयर यूनिट मान लो ये क्वेश्चन है कि एक्स बताओ अगर एरिया आपको यह दिया हुआ है तो देखो इसको कैसे करेंगे अब एरिया आपको गिवन है तो वी विल टेक एरिया टू बी इक्वल टू बेटा प्लस माइनस थ्री पॉइंट फाइव इज इट ऑल राइट तो जब एरिया गिवन होगा प्लस माइनस साइन दोनों लेने हैं मतलब प्लस माइनस सेवन बाई टू अब देखो अगर हमारे पास सपोज ये ट्राइंगल है ठीक है इसके वर्टिस देखो क्या गिवन है आपको ए है आपका टू कॉमा थ्री ऑफ बी से आर एक्स कॉमा वन और तीसरा वर्टेक्स मान लो सी है फोर कॉमा सिक्स तो हमने फॉर्मूला एरिया का ये किया था कि एरिया इज गिवन बाय ये देखो हाफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री देन वाई वन वाई टू वाई थ्री और फिर वन 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 तो सॉल्व करते हैं देखो पुट कर दो तो हमारे पास यहीं पे मैं आगे लिखती हूँ तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट्स हैं तो 2x4 वी आर गेटिंग दिस Y1, Y2, Y3, तीनों वर्टिसेस के Y कोऑर्डिनेट्स इन द सेम ऑर्डर थ्री वन सिक्स इज इट ऑल राइट ये और फिर लेट अस सिंप्लीफाई रो वन से एक्सपैंड कर दो ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ और इसको लेंगे प्लस के साथ तो सिंप्लीफाई करते हैं लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग सो हाफ तो आएगा ही बेटा अब हमारे पास आ गया यहां पे टू इन टू लीव फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वन माइनस सिक्स इज इट ओके फिर थ्री को लेना है माइनस साइन के साथ थ्री है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में डिलीट करो तो वी हैव एक्स माइनस फोर फिर वन को लेंगे प्लस के साथ वन है आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में डिलीट करो सो वी हैव सिक्स एक्स माइनस फोर बेटा हमारे पास ये आ गया तो दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ देखो कितना टू इंटू माइनस फाइव माइनस थ्री एक्स प्लस कितना ट्वेल्व और प्लस सिक्स एक्स और माइनस फोर इसको भी चाहे ये मल्टीप्लाई करके ही लिख लो यहां पे ये यह आ गया था हमारा कितना माइनस टेन है ना टू इंटू माइनस फाइव तो यहां पे अब हमारे पास डेल्टा आ गया वन बाय टू वी हैव थ्री एक्स माइनस टेन प्लस ट्वेल्व इज टू टू माइनस फोर इज माइनस टू ना लुक हेयर एरिया क्योंकि गिवन था तो हमने कहा था प्लस माइनस साइन दोनों लेना है तो इट इज प्लस माइनस सेवन बाई टू तो लेट इज पुट इट ओवर हेयर सो वी आर गेटिंग प्लस माइनस सेवन बाई टू इज हाफ ऑफ थ्री एक्स माइनस टू इज इट ओके हाफ पेटा कैंसिल कर दो केसेस दो आ गए या तो थ्री एक्स माइनस टू विल बी इक्वल टू सेवन या फिर बेटा थ्री एक्स माइनस टू विल बी इक्वल टू माइनस सेवन पहला केस लो इस केस में x आ गया आपका नाइन बाई थ्री मतलब x इज इक्वल टू थ्री या तो बेटा x की वैल्यू थ्री होगी या फिर देखो थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव तो इसका मतलब बेटा x विल बी माइनस फाइव अपॉन थ्री तो टू सच वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल आइदर x वुड बी थ्री और इट वुड बी MINUS फाइव BY थ्री ऑल राइट सो वेन वी आर गिवन एरिया, तो जब भी हमें एरिया गिवन होगा तो आप उसमें प्लस माइनस साइन दोनों लोगे और एरिया निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हैं ये वाला इज इट ऑल राइट एक क्वेश्चन और देखते हैं एक एग्जांपल। मान लो हमें क्वेश्चन ये दिया जाता है इफ थ्री पॉइंट्स देखो कौन से तीन पॉइंट्स बेटा जिनकी हम बात कर रहे हैं मान लो पॉइंट्स हैं आपके ए प्लस बी कॉमा सी दूसरा पॉइंट है बेटा बी प्लस सी कॉमा ए तीसरा पॉइंट है सी प्लस ए कामा बी आर कोलिनियर ये है तो आपको रदर ये शो करना है ठीक है शो दैट ये कर लेते हैं हम ये दिया नहीं है शो करना है शो दैट थ्री पॉइंट्स आर कुलीनियर या ऐसे भी कह सकते हैं शो दैट दीज थ्री पॉइंट्स लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन दीज थ्री दीज पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन तो बात एक ही है कुलनियर का मतलब बेटा एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं अब जब पॉइंट्स आपके मान लो पहला पॉइंट अगर हम ले लें ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए प्लस बी कॉमा सी सेकेंड पॉइंट है, मानलो B, है B C, A. और तीसरा पॉइंट है सी बेटा जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं सी प्लस ए कॉमा बी तो अभी हमने किया था कि अगर पॉइंट्स ए बी सी आपके कुलीनियर हैं बेटा ठीक है ना ये तो वो तब होंगे दे आर कुलियर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल इक्वल टू जीरो तरह से कुलीनियरिटी शो करने के लिए बेटा आपने एरिया क्या शो करना है तो निकालते हैं हम एरिया क्या देखो हमारे पास फॉर्मूला था वी हैट फार्मूला पहले कॉलम में तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट्स दूसरे कॉलम में तीनों वर्टिसेस के वाई कोऑर्डिनेट्स इन द सेम ऑर्डर जिस ऑर्डर में आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स लिए हैं और आखिरी कॉलम में वन 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 तो पुट कर दो तो वी आर गेटिंग दिस इज हाफ ऑफ आप देखो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए तो अस पुट इट ओवर हेयर ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए वाई कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है दे आर सी एंड बी सो वी हैव दिस एज सी एंड बी और यहाँ पे वन 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 अब आपको अगर ये शो कर पाते हो कि ये डिटर्मिनेंट जीरो है तो पॉइंट्स को लीनियर हो जाएंगे अब देखो आपको चाहो तो एक इवेलुएट कर लो पर हमें प्रॉपर्टीज आती हैं आप नोटिस करो अगर a प्लस बी में c एड हो जाए तो ये टर्म a प्लस बी प्लस सी बनेगी b प्लस सी में a एड करो तो भी a प्लस बी प्लस सी c प्लस ए में b ऐड करो तो भी a प्लस बी प्लस सी तो यहां हम एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं C1 वन गोज टू सी वन प्लस सी जिससे हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा सो वी हैव डेल्टा इक्वल टू वन अपॉन टू वी हैव ए प्लस बी प्लस सी देन वी हैव बी प्लस सी प्लस ए बेटा फिर c प्लस ए प्लस बी बाकी के दो कॉलम्स आपके सेम ही रहेंगे इट ओके ये नाउ नोटिस कॉलम वन में इच टर्म इज ए प्लस बी प्लस सी तो इस यहां से हम लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ठीक है लेटेस्ट टेक इट कॉमन सो वी आर गेटिंग डेल्टा टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी देन वी आर लेफ्ट फिथ डिटर्मिनेंट कॉलम वन में आ गया वन 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 सी ए बी देन वन 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 नाउ देर इज नो नीड टू एक्सपैंड वाई बिकॉज वी कैन सी वेरी इजिली कि कॉलम वन और कॉलम थ्री हमारे क्या हो गए बेटा आइडेंटिकल इज इट ऑल राइट तो ये दोनों जो आपके कॉलम्स हैं यह दोनों हैं आइडेंटिकल और देखो आपको याद होगा किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो so, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है जीरो तो दिस मल्टीप्लाइड बाय जीरो मीन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो तो डेल्टा जीरो हो गया दिस इंप्लाइज पॉइंट्स आर कुलियर बेटा इज इट ऑल राइट तो हमने शो कर दिया कि पॉइंट्स हैं गॉट इट तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का इज इट ऑल राइट बेटा अब देखो इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया ठीक है ना तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं पहली चीज़ जो हमने करी वो थी कि डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑन डिटरमिनेंट्स। आपने देखे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स कि अगर जैसे निल पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मनेंट की वैल्यू वन या माइनस वन होती है इनवोल्यूट्री में भी वन या माइनस वन होती है डिटर्मनेंट की वैल्यू आइडम पोर्टेंट है तो डिटर्मनेंट की वैल्यू या तो जीरो या फिर वन फिर डायग्नल हो स्केलर हो अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगर इन सब स्क्वेयर मैट्रस के डिटर्मनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ डायग्नल एलिमेंट्स फिर अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्ड ऑर्डर का हो तो उसके डिटर्मनेंट की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है ईवन ऑर्डर का है सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर उसके बाद हमने बात करी रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट की कि अगर आप एक मैट्रिक्स लेते हो उसका डिटर्मिनेंट अगर डी है और फिर आप उसके को फैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाते हो उसका डिटर्मिनेंट डी डैश है तो डी डैश को रेसिप्रोकल डिटर्मनेंट कहते हैं डी का और अगर ए का ऑर्डर n क्रॉस n है तो डी डैश कितना होता है डी की पावर n माइनस वन फिर हमने देखा समेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑल राइट कि अगर एक रो या एक कॉलम में अगर आप वेरी कर रहे हो टर्म्स को बाकी की दो रोज या दो कॉलम सेम है तो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स का जो सम है दैट कैन बी रिटर्न एज अ सिंगल डिटरमिनेंट एंड इन द एंड वी टॉक्ड अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल कि अगर आपके पास वर्टस हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो एरिया होता है हाफ ऑफ डिटर्मनेंट पहले कॉलम में x1, x2, x3, सेकंड कॉलम में y1, y2, y3 और थर्ड कॉलम में वन 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 ठीक है तो ये रिजल्ट्स ध्यान में रख के इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेटा ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, इज इट ऑल राइट तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं बेटा तो थैंक यू एंड बाय बेटा एंड होप यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ आर कोर्स